हरेश अग्रवाल का सिंप्लीफिकेशन चैप्टर प्रश्नावली 4B क्वेश्चन नंबर 22। दो परीक्षा हॉल ए तथा बी है, इनमें परीक्षार्थी बैठे हैं। यदि 10 विद्यार्थियों को हॉल ए से हॉल बी में भेज दिया जाए तो दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। यदि 20 परीक्षार्थियों को हॉल बी से ए में भेज दिया जाए तो हॉल ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो हॉल ए में कितने परीक्षार्थी हैं, हिसाब को समझो। एग्जामिनेशन हॉल होता है ना, जैसे बहुत विद्यार्थी होता है तो 2 ठो 3 ठो 4 ठो, तो 2 ठो हॉल है एग्जामिनेशन का जिसमें परीक्षा होना है। पहला हॉल ए है, दूसरा बी है। चलो ध्यान से देखो इसको, पहला हॉल ए है, दूसरा बी है, दोनों में कुछ विद्यार्थी बैठा है। प्रश्न में कह रहा है अगर हॉल ए से 10 विद्यार्थी को हॉल बी में भेज दिया जाए तो दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। समझा क्या? हॉल ए से हॉल बी में 10 विद्यार्थी भेज दिया जाए, यानी इसमें भी कुछ बैठा है, इसमें भी कुछ बैठा है, तो हॉल ए से 10 विद्यार्थी बी में भेज देंगे तो कहता है दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या समान हो जाएगी। अगर 20 परीक्षार्थी को हॉल बी से ए में भेज दिया जाए तो ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दोगुनी हो जाएगी। तो हॉल ए में कितना विद्यार्थी बैठा है, तो मान लेते हैं हॉल ए में एक्स विद्यार्थी है, हॉल बी में वाई विद्यार्थी है। समझा? माना कि हॉल ए में विद्यार्थियों की संख्या एक्स तथा हॉल बी में विद्यार्थियों की संख्या वाई। प्रश्न से कह रहा है यदि 10 विद्यार्थी हॉल ए से बी में भेज दिया जाए, प्रश्न से दस विद्यार्थियों को हॉल ए से बी में भेजने पर हॉल ए में शेष विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? चलो बोलो। हॉल ए में एक्स माइनस 10, मान लो 40 है, 10 लड़का को भेज दिया जाए तो 40 माइनस 10 यानी 30 बच गया। हॉल ए में एक्स विद्यार्थी है, प्रश्न में कहता है 10 विद्यार्थियों को हॉल ए से बी में भेजने पर, तो 10 विद्यार्थी को हॉल ए से बी में भेजेंगे हॉल ए में शेष विद्यार्थियों की संख्या यानी बचे विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? पहले x था, अब 10 घट जाएगा यानी x माइनस 10,
तथा हॉल बी में 10 विद्यार्थी गया है ना, तथा हॉल बी में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना हो जाएगा बोलो। 10 तो आ गया है, y प्लस 10 मान लो पहले 50 है, 10 आया हॉल ए से तो 50 जोड़ 10 60, तो पहले y था, 10 आ गया है फिर ए से तो y प्लस 10 होगा। लेकिन प्रश्न में कह रहा है जब 10 विद्यार्थी ए से बी हॉल में जाता है तो दोनों में विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो जाता है, समझा। लेकिन प्रश्न से हॉल ए से बी में दस विद्यार्थियों के जाने पर, यानी प्रश्न में कह रहा है हॉल ए से बी में 10 विद्यार्थी चला गया तो हॉल ए में और बी में विद्यार्थियों की संख्या समान हो गया, यानी हॉल ए से बी में 10 विद्यार्थियों के जाने पर हॉल ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर बी में विद्यार्थियों की संख्या, प्रश्न से है ना, ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर बी में विद्यार्थियों की संख्या, तो 10 विद्यार्थी के चले जाने पर ए से बी में, तो ए में विद्यार्थियों की बची हुई संख्या कितना बच गया, 10 निकल गया, तो x-10 यानी x-10 बच गया। अब बी में गया 10 ठो तो ए और बी दोनों हॉल में विद्यार्थी की संख्या बराबर हो गया, तो हॉल ए से 10 निकला तो x-10 आ बी में 10 बढ़ गया यानी y+10, अब दोनों बराबर हो गया, प्रश्न में ऐसा कह रहा है। तो ये हो गया और x+y को पीछे लाओ -y या x बराबर y+10 -10 आगे जाएगा तो +10 यानी y+20, इसलिए x बराबर y+20 समीकरण एक, बोलो समझा। इतना पहला समीकरण आया है x बराबर y+20, ये समीकरण एक, अब फिर कह रहा है यदि 20 परीक्षार्थियों को हॉल बी से ए में भेज दिया जाए तो हॉल ए में परीक्षार्थियों की संख्या बी की संख्या से दोगुनी हो जाएगी, यानी 20 विद्यार्थी हॉल बी से ए में भेजा जाए तो बी में कितना बचेगा ए में कितना बढ़ेगा, पहले ये निकालेंगे। अब हॉल बी से 20 विद्यार्थियों को ए में भेजे जाने पर, अब हॉल बी से 20 विद्यार्थियों को
हॉल ए में भेजे जाने पर हॉल बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा? बोलो आशीष। हॉल बी में बचे विद्यार्थियों की संख्या वाई माइनस 20। 20 कम हो जाएगा यानी वाई माइनस 20 तथा हॉल ए में कुल विद्यार्थी कितना हो गया? प्लस 20। 20 विद्यार्थी आ गया है। पहले x था अब हो गया x प्लस 20। लेकिन प्रश्न से क्या कह रहा है? इसमें जो 20 आ गया तो हॉल ए में 20 से दोगुना विद्यार्थी हो गया, समझा? लेकिन प्रश्न से हॉल बी से ए में 20 विद्यार्थी के आने पर प्रश्न में कह रहा है बी से 20 विद्यार्थी ए में आवे तो हॉल ए में बी से दोगुना विद्यार्थी हो जाएगा। यानी प्रश्न से हॉल बी से ए में 20 विद्यार्थी के आने पर हॉल ए के अगर लगा हुआ है ना, यदि है ना, यदि 20 विद्यार्थी परीक्षार्थियों को हॉल बी से ए में भेज दिया जाए तो भेजा नहीं है। अगर भेजा जाए, यदि भेजा जाए, मान लो 20 आ गया तो y माइनस 20 इसमें हुआ, इसमें 20 बढ़ गया x प्लस 20 कहता। अगर 20 विद्यार्थी बी से ए में आता है तो ए के विद्यार्थियों की संख्या बराबर बी के विद्यार्थियों की संख्या का दोगुना, यानी दोगुना हो जाता है। यानी हॉल बी से ए में 20 विद्यार्थी के आने पर हॉल ए के विद्यार्थियों की संख्या बराबर बी के विद्यार्थियों की संख्या का दोगुना होता है। तो बी के विद्यार्थियों की संख्या का दोगुना होगा, बी के विद्यार्थियों की संख्या का दोगुना। तो 20 विद्यार्थी आया हॉल में तो ए के विद्यार्थियों की संख्या, हॉल ए के विद्यार्थियों की संख्या कितना हो गया? पहले x था, 20 आया तो x प्लस 20 हो गया, बराबर b के विद्यार्थियों की संख्या का दोगुना। b में कितना विद्यार्थी बच रहा है? 20 के आ जाने पर y माइनस 20 बच रहा है और इसका दोगुना, यानी b के विद्यार्थियों की संख्या का दोगुना, यानी इतना बच रहा है, इतना गुने दो होगा। ये हो गया x प्लस 20 बराबर 2y माइनस 40, इसीलिए x बराबर 2y माइनस 40 प्लस 20 आगे जाएगा तो माइनस 20 यानी 2y माइनस 60, इसलिए x बराबर 2y माइनस 60 समीकरण 2, समझा? इतना बोलो। अब समीकरण 1 और 2 में, दोनों में x का ही मान है तो
अब समीकरण एक एवं दो से, एक में है y प्लस बीस एक्स का मान और दो में है 2y माइनस 60 एक्स का मान 2y माइनस 60। ये कितना हो गया, y को आगे करो 60 को पहले, तो 20 और प्लस 60 बराबर 2y, प्लस y आगे गया माइनस y, और 20 और 60 80 बराबर y, इसलिए y बराबर 80। अब y का मान समीकरण एक में रख दो। समीकरण एक में y का मान रखने पर एक हो गया x बराबर y प्लस 20, इसीलिए x बराबर y का मान 80, 80 प्लस 20 बराबर 100, इसलिए x बराबर 100। तो हॉल a में x विद्यार्थी है यानी 100 विद्यार्थी है, और b में y विद्यार्थी है यानी 80 विद्यार्थी है। अब ये आंसर सही है कि गलत, तो इसको समझ गया ना कैसे बनेगा। अब आंसर सही है कि गलत तो कैसे टेस्ट करेंगे, तो देख लो। प्रश्न में कह रहा है ए और बी में दोनों में विद्यार्थी है, आंसर निकला ए में 100 है बी में 80 है। तो यदि 10 विद्यार्थियों को हॉल ए से हॉल बी में भेज दिया जाए तो दोनों कमरों में परीक्षार्थियों की संख्या बराबर हो जाएगी। अब 100 विद्यार्थी हॉल ए में है, इसमें से 10 विद्यार्थी बी में चला गया, तो 100 था तो 10 घट गया, तो 90 बचा ए में और 10 चला गया बी में, तो 80 और 10 आ गया, तो 80 और 10 90 हो गया, दोनों में बराबर हुआ, तो बात सही है। इसके बाद कहता है अगर 20 विद्यार्थी बी से ए में आ जाए तो ए में बी से दोगुना विद्यार्थी हो जाएगा, तो 20 विद्यार्थी आ गया बी से ए में, तो 80 विद्यार्थी है, तो 20 निकल गया, तो 20 निकल गया तो 60 बचा बी में, ये 20 विद्यार्थी चला गया ए में, पहले 100 है तो अब हो गया 120, 120 हो गया, तो देखो तो बी में 60 रह गया, ए में 120 हो गया, 60 दूनी 120 दोगुना हो गया, इसका अर्थ है आंसर सही है। बोलो इसको समझा, ठीक है, अब अगले पार्ट में।